हाय गाइस, दिस इज जियर एंड यू आर वाचिंग मार्केट ऑवर जॉब बेलफुल। गाइस, आज की जॉब होने वाली है कुछ हटके, कुछ अलग से। जितनी भी सारी जॉब्स थी उनसे कुछ अलग होने वाली है आज की ये जॉब्स। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिक में जो थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, उन लोगों के लिए आज की जॉब्स ये होने वाली है। अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी और अच्छी जॉब्स होने वाली है, परमानेंट जॉब्स। ये जो जॉब्स सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन के हैं या फिर यहाँ पे रह रहे हैं तो भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। आप चाहे कम पढ़े लिखे हैं या फिर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी इस जॉब के लिए चलेगा, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगता है कंपनी। अगर आपको इलेक्ट्रिक में जो है एक्सपीरियंस है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन में एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जॉब होने वाली है बेंगलोर लोकेशन के लिए, बेंगलोर लोकेशन के लिए इलेक्ट्रिशियन वाले की जॉब्स। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना, कमेंट्स करना कभी ना भूले। तो फ्रेंड्स, जॉब्स होने वाली है इलेक्ट्रिशियन की, सीसीटीवी कंपनी की। सीसीटीवी कैमरा जो लगाती है, इंस्टॉल करती है उस कंपनी में। ये लोग जो है ऑल ओवर बेंगलोर कवर करते हैं। इंडस्ट्रीज एरिया जो मैन्युफैक्चर प्लांट्स है वहां पे ये लोग जो है अपना जो है सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। लोकेशन इनका खुलीमाऊ, खुलीमाऊ में एक पर्टिकुलर ऑफिस है, वहां से ये ऑपरेट करते हैं। पहले इनका जो है जेपी नगर में ऑफिस था, अब जो है खुलीमाऊ में है। यहाँ से ये पर्टिकुलर जो है ऑपरेट करते हैं खुलीमाऊ से। वहां से आपको जो है ऑल ओवर बेंगलोर में जो है विजिट करना रहेगा। सारा का सारा खर्चा कंपनी का रहेगा, आपको जो है साथ में लेके जाता है कंपनी वाले, वहां पे क्या वर्क रहता है और वहां पे जो कैसा काम रहेगा वो आपको जो है वहां पे समझा दिया जाता है। सैलरी इसमें जो स्टार्टिंग 15,000, 15,000 से लगाकर 20,000 तक सैलरी देखने को मिलेगी इसमें। अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल में, तो आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 हजार तक सैलरी इसमें देखने को मिलती है। डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस और इंटरव्यू पे आपका सैलरी फिक्स की जाती है। मान लो अगर आपको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, आपको जो है ज्यादा सैलरी दी जाती है, या फिर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कम सैलरी दी जाती है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कंपनी क्या करते हैं कि पहले इंटरव्यू लेती है, आपका ट्रेनिंग लेती है, उसके हिसाब से आपकी जो है सैलरी फिक्स करती है। लेकिन फिक्स जो रहती है, मिनिमम जो रहती है, वो 15,000 से चालू होती है। कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ भी नहीं रहती है। हाँ, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, जम के काम करते हैं, एक ही जगह टिक के काम करते हैं, तो कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की कर दी जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। हाँ सर, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं इलेक्ट्रिशियन का जो है काम कर चुका हूँ, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं नियर बाई लोकेशन में रहता हूँ और मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो बंदा कर सकता है। उसके लिए अच्छी सैलरी रहती है, प्लस जो है अच्छा बेनिफिट रहता है, 9 घंटा ड्यूटी रहती है, प्लस एवरी संडे हॉलीडे रहता है, हर संडे छुट्टी रहती है, 9 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं रहती है इसमें। अगर आपको 1 घंटा ज़्यादा, 2 घंटा ज़्यादा, 3 घंटा ज़्यादा अगर काम करवाती कंपनी, तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी देती है। इसके अलावा जहां आप जो है फैक्ट्रियों में जो है कैमरा लगाना चाहते हैं, वहां पे कंपनी की तरफ से दोपहर का खाना फ्री दिया जाता है आपको। इसमें जो है लंच जो है दोपहर का जो है फ्री रहता है, प्लस कभी कभी मान लो शाम के टाइम भी लेट हो जाता है तो अपने शाम का खाना भी कंपनी की तरफ से फ्री रहता है। लेकिन शाम को हम लोग इसमें कन्फर्म नहीं बोल सकते, लेकिन दोपहर का इसमें समझ लीजिए कि दोपहर का खाना फ्री रहता है कंपनी की तरफ से, तो अच्छी फैसिलिटी रहती है इसमें। 15,000 से 20,000 सैलरी देखने को मिलती है, दोपहर का खाना फ्री रहता है, ऑल ओवर बेंगलोर में जो है रिक्वायरमेंट है इसमें। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें जो है एजुकेशन जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई भी चलता है, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट रहता, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, मेल कैंडिडेट्स ओनली। अब चाहे वो हिंदी वाले है या लोकल वाले है या तमिल वाले है या तेलुगु वाला, लैंग्वेज इसमें कौन से भी चलती है, आप कौन से भी लैंग्वेज क्यों नहीं रहने दो, वो सारी की सारी लैंग्वेज इसमें चलती है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो बंदा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई सर आई एम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिशियन करके टाइप करके भेज सकता है, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन सीसीटीवी कैमराज कंपनी करके टाइप करके लिख के भेज सकता है। अच्छी कंपनी है, टाइम पे सैलरी देती है,
5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपकी जो सैलरी मिल जाती है इन हैंड या फिर आपके इन अकाउंट, आप जैसा चाहते हैं वैसा। और इसमें हर साल जो सैलरी इंक्रीजमेंट रहती है, आप अच्छा काम करते हैं तो जो कंपनी 6 महीने के अंदर भी आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट करती है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग सैलरी 15 रहती है, आफ्टर देन आपका इंटरव्यू और आपका जो है एक्सपीरियंस के ऊपर काम करती है। आप आइए इंटरव्यू दीजिए, कंपनी आपको काम पे रखेगी। 15,000 ही मान के चलिए कि जो है आप 15-20 दिन काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उस कैंडिडेट्स को या उस बंदे को जो समझ में आ जाएगा कि बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से फिर वो आपकी सैलरी जो है एक्स्ट्रा करते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह ये जॉब भी आप लोगों के लिए फ्री रहता है, जैसा दूसरे लोग लेते हैं ना 3,000, 4,000, 5,000, ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्री जॉब रहता है। हम लोग ट्रस्ट के नाम पे, विश्वास के नाम पे, ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे कुछ भी लूटने का काम नहीं करते हैं। हाँ, हम लोगों का भी मेंटेनेंस रहता है, ऑफिस जो है स्टाफ रहता है, ऑफिस का जो है रेंट रहता है, इलेक्ट्रिशियन बिल रहता है, बहुत सारा रहता है, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं रहता है। आप आएंगे 3,000 ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम देंगे, आपसे पैसा लेके हम लोग अपना ऑफिस चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की तरफ से हमेशा की तरह फ्री जॉब थी, फ्री जॉब है और फ्री जॉब भी फ्यूचर में रहेगी। तो गाइस जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो अंदर डायरेक्ट कॉल्स कर सकता है। कॉलिंग का टाइम जैसे मैंने बताया आपको कि जो 10 बजे से लगाकर 5 बजे तक चाहे कौन सी भी जॉब के लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए कॉल करें, कॉलिंग का टाइम वही रहेगा। संडे सैटरडे नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में, तब तक के लिए।